अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा गेम प्ले जिसको देख के आप लोग बोलेंगे वाह 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 वाह, मज़ा आ जाएगा भाई, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। तुम जा रहे थे जॉर्जो पुल, क्योंकि प्लेन यहाँ का था, डूबी डूब खेल रही थी। ये मेरा बहुत बहुत प्यारा भाई है, यकीन करो। इस पर मैं नहीं गया, मेरी आईडी मेरी थी, पर मुझे लेके ही गया था। हम फर्स्ट कंटेनर पे थे, एक के मेरे हाथ में दो बंदे सामने, मैंने तो भर दिया सर, पूरा लोहा भर दिया मैंने अंदर। ये बंदा बड़ी जिगजैग मूवमेंट था, कभी यहाँ फिर दो गोली यहाँ खा के फिर दो गोली बोला उस पर मारो, फिर मैंने उस वहाँ मारी, फिर ये बंदा नहीं दिखा। फिर हम गए इसके पीछे, मुझे लगा ये ऊपर चढ़ेगा, लेकिन ऊपर नहीं चढ़े। फिर हमको मिल गई स्कारेल, और इस गेम प्ले में शायरी भी है, तो वो भी सुनना। ये मेरी रिंग क्यों ना, मसला नहीं है, मैसेज चाहिए शायरी, वो भी सुनना। ठीक है, ये बंदा आ गया, जो नीचे खड़ा हो गया, मुझे लगा ये सामने वाले इस क्वार्टर के अंदर है जो भी चीज़ है, लेकिन ये साइड पर खड़ा है। और मतलब नो रिस्पेक्ट हाउ, ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा, ऐसे तो कोई बात नहीं है। फिर हम दोबारा कंटेनर से चढ़ गए लूट वूट करने के लिए। हम एमओ उठाए रहे थे कि तभी हमको यकदम जनाब आला हमको एक बॉट आते हुए दिखाई देता है रिंग साइड से। हमने इस कारल का सर उसमें भर दिया सर, और वो डायरेक्ट फिनिश हो गया। मतलब अकेला ही आया था, अकेला ही, यही दुनिया का दस्तूर है, अकेला ही आएगा इंसान, अकेला ही जाएगा। बहुत प्यार गेम प्ले यार, तुम लोग देखो मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़ा आएगा तुम्हें, मैं गारंटी दे रहा हूँ। फिर हम लोग जा रहे थे वेयर हाउस पे, जैसे हम गए तो हम लोग वेट कर रहे थे कि बंदे जहाँ पे जो फाइट हो रही है हम उनसे फाइट ना लें, मतलब हम उनको जब मारें ना फिनिश करें। हमारा ये होता है कि जब स्प्रे देना तो नॉक करें, दूसरे में फिनिश करें, वरना स्प्रे ना ही दे तो बेहतर। और यही रखो तुम लोग भी अपना कि स्प्रे दो तो ऐसी इस एंगल से दो कि बंदा फिनिश हो जाए। जैसे ये ओपन में जा रहा है पागल है ना, ये तो गया भी, और ये तो एक दो गोली में चले गया। फिर इसको मारा तो बॉट आ गया, बॉट को मारा, किल चोरी ना हो जाए, लेकिन फ़ौरन से क्या कंफर्म हमारे के टी बढ़ाने का रास जानो आई लग। अब हम वेयर हाउस में बैठे थे, फिर हम निकल गए थे। ठीक है, फिर हम इनकी लूट वूट करने आए तो हमको साउंड आता है कि एक बंदा नो रिस्पेक्ट के साथ जा रहा है, तो उसको तो सजा मिलेगी, लेकिन इस पर हो रहा था किसी देर। फिर हमने बोला इधर आके पावली पूछ, कैसे ऐसे कैसे नो रिस्पेक्ट के साथ कैसे जा रहे हो तुम। फिर हमने उसको मारा। अब ये जो बंदा उस मतलब वेयर हाउस के उस तरफ घर पे जो हमको स्प्रे दे रहा था ना भाई, ख़तरनाक था। मतलब हम उसको छोड़ के आ गए थे, हमने बोला हम उससे फाइट ले ही नहीं रहे। फिर हम जब इस वेयर हाउस लूट उट के आगे निकले तो बहुत आया, बहुत सा किल, देखो दो ऐसे चपटे हम, लेकिन नसीब में हमारे थे, जिसके नसीब में होता है वही खाता है। अब देखो हम सामने जा रहे थे, हमें नहीं पता था इतनी देर में वो जो घर पे बंदे थे वो आ गए वेयर हाउस, तीसरे वेयर हाउस में। और मैं सिंपल जैसे जा रहा था वैसे जा रहा था, फिर जैसे मैं आगे जाने का तो साउंड आया कि नहीं बंदे आ गए। ठीक है, तो मैंने बोला जल्दी आ जा मेरे टीममेट को कि भाई बंदे आ चुके, और मैंने उसको दे दिया। और फिर मुझे फ्री फायर याद हो, मैं फ्री फायर देता ही रहा, तो सर देखो किल मिल गया हमको। और मेरा मूड यही हो रहा था कि क्यों ना नेट करा जाए, लेकिन इतनी देर में खुद ही बाहर आ गया, बाव लगेगा आगे भी नहीं आया, वेरू पर आ तो ये भी किया। तो सर हमारे 9 किल जॉर्जो पुल में हो चुके हैं, इस बात पर लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब करके जाओगे प्लीज़ तो मज़ा ज़्यादा आएगा। फिर हमने हिल भी, अगर आप लोगों को रैंक पुश कराना है ना तो मेरी फ्री एडवाइस है, आप कमेंट करो, मैं नंबर दूंगा इस बंदे का। ये फ्री में, आप फ्री में तो खैर नहीं, इसकी अकेडमी भी रैंक पुश की, आपको रैंक पुश करके देगा भाई, जितना कीडी बोलोगे उतना कीडी मेंटेन करके रैंक पुश करके देगा, ये मेरी गारंटी है। बहुत प्यारा भाई है हमारा, 1 लाख का बड़ा अच्छा मंडा भाई, थैंक यू फॉर लेके जाने के लिए इस पर मेरे को। हम लोग अब जा रहे थे रश करने, ठीक है, तो वेयर हाउस पर हमको नजर आई गाड़ियाँ भी खड़ी हैं और पेटियाँ भी पड़ी हैं, तो हमने बोला चलो बंदे बंदे होने जाए। हम फिर ऊपर जा रहे थे ताकि साउंड वाउंड कोई आ नहीं रहा था, तो हमें ये भी शक हो गया कि भाई बंदे तो नहीं यहाँ पे। ठीक है, फिर जैसे ही हम लोग क्लियर सब करके बाहर आए, और फिर मैंने देखा अरे तो राम है। लाइक कर, एक शेर भी सुनाऊंगा मैं तुमको, तुम लोग पागल हो जाओगे। ठीक है, इसको हमने मारा, और भाई ये क्या ही खेल रहा था, ये तुर्किश प्लेयर था, क्योंकि टी सी अक्सर तुर्की वाले ही होते हैं, और क्या ही इसको भरा हमने भाई, मज़ा ही आ गया। फिर उससे हमने बेस्ट हेलमेट ले ली, और अब हम जा रहे थे आगे ड्रॉप हंट करने, क्योंकि फ्लेयर मंगाई थी, दो फ्लेयर मंगाई थी, तो हमने बोला यार इस पर चलते हैं, गेम फाइनलाइज करना बहुत हो गया, अभी मेरे 11 किल्स हो चुके हैं। ठीक है, फिर हमने गाड़ी नीचे लगाई, और मैंने बोला जब तक ये बंदे ड्रॉप लूटने ना आए ना, अपन स्प्रे नहीं करेंगे, एक साथ स्प्रे देंगे और नॉक फिनिश डायरेक्ट ख़त्म। ठीक है, तो मैं यही वेट कर रहा था, पहले वो पीछे गया, लेकिन फिर जब वो इस तरफ आया ना तो अंधाधुन फायर सर, अंधाधुन वो परवाह। और फिर मुझे दिखा वो बंदा यहाँ पे लेट गया, और फिर आखिरी गोली देखो उसके हेड पे लगी, लाल निशान का मतलब होता है हेड पे लगना, वाइट का होता है बॉडी पे लगना। और इसी तरीके से फिर उन पर जब थर्ड 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 पार्टी हो गई, तो
तो मुझको मेरा किल सिक्योर हो गया, मुझको मिल गया 12 किलो। फिर यहाँ से एक और चवंजा आ रहा था, ये भी क्लियर से सारे शॉट से वही है मिला, इसको भी मना। तो हमारे यहाँ पे हो चुके 13 किल। अब मैं आपको सुनाता हूँ तुकी दास्तान, तो शेर सुना रहा हूँ फिलहाल तो, कि जैसे ही हम हुए अपने किल्स को लेके चढ़े, तालियां प्लीज, जैसे ही हम लेके हुए अपने किल्स को चौड़े, मतलब जैसे ही मैंने देखा मेरे इतने किल्स तो मैं चौड़ा हो गया कि मैं सबको मार दूंगा। जैसे ही हम लेके हुए अपने किल्स को चौड़े, तुर्किश दुआ आया, बोला इधर आओ, हम जिंदा हैं अभी बहन के। आगे कुछ समझ गए हो तुम लोग, इतने शरीफ नहीं हो, ठीक है। ये तुर्किश प्लेयर थे, इन्होंने हमें मार दिया। शेयर के लिए प्लीज़ तालियाँ, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब, सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, आपका बहुत सारा सपोर्ट चाहिए मेरे को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखना और दुआएं करते रहना, सपोर्ट दिखाओ अपना, सब्सक्राइब प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।